نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। अगर कोई औरत चाहती है कि इसका शोहर इससे मोहब्बत करे और इसकी मोहब्बत में दीवाना हो जाए, या शोहर चाहता है कि इसकी बीवी इससे मोहब्बत करे और चिड़चिड़ापन ख़त्म हो, तमाम मसाइल हल हों, घर के लड़ाई झगड़े ख़त्म हो, हर तरफ सुकून ही सुकून हो, तो उसके लिए एक अमल बताता हूँ, बहुत मुजर्रब अमल है। इस अमल से आपको सिर्फ जो है मोहब्बत हासिल नहीं होगी, बल्कि घर के अंदर अगर जादू है, जिन्नात हैं, शयातीन हैं, वो भी आपके घर से निकलेंगे, जादू आपसे कटेगा, दूर होगा। कुरान करीम की कुछ आयात हैं, कुछ सूरतें हैं, बहुत ही आसान हैं, जिनको आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, इंशाअल्लाह आपको और अमल करने की ज़रूरत नहीं होगी। कुरान करीम की एक आयत है जिसे आयत करीमा कहते हैं। आयत करीमा कहते ही सब लोग समझ जाते हैं कि ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन। 11 मरतबा पढ़नी है आपने सिर्फ सुबह शाम। इसके साथ सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, ये भी 11-11 मरतबा, और आखिर में आखिरी पारी की सूरह तारिक की आखिरी आयात हैं, इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। ठीक है ना, ये आयात 3 आयात हैं, इनको भी आपने 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा आयत करीमा, आखिर के 3 कुल 11 मरतबा, और ये 3 आयात 11 मरतबा। बहुत आसान है, बहुत ही मुजर्रब हैं। इस अमल से जो है, अगर किसी ने जादू ऐसा किया हुआ है कि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत ना हो, लड़ाई झगड़े फसाद हों, तो वो भी टूटेगा, जिन्ना शयातीन भागेंगे, जादू कटेगा। ये नक्श जो आप देख रहे हैं, ये नक्श औरत अपने सर की चुटिया में बांध ले। अगर मर्द पहनना चाहता है तो वो अपने पर्स में रख ले या दाएं बाजू पर बांध ले, और औरत जो है सर की चुटिया में बांधे। इसे बेहतर तो ये है, अगर चुटिया में नहीं बांध सकती तो बाएं बाजू पर पहन ले। ठीक है ना, बहुत मुजरब नक्श है। इन्हीं तमाम आमाल के आदात से बनाया गया ये नक्श है, जो आपको बहुत फ़ायदा देगा। यही नक्श पानी में घोल कर भी पिला सकते हैं मोहब्बत के लिए। शोहर पिला सकता है बीवी को, बीवी भी पिला सकती है, या घर में और लड़ाई झगड़े बहन भाइयों के, छोटे बच्चों के आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको भी ये नक्श पिला सकते हैं, बहुत फ़ायदा देगा। और डबल फ़ायदा हासिल करने के लिए आप इन पर यही पढ़ाई जो सुबह शाम आपने करनी है, वो इस नक्श पर भी करें और उस पानी पर भी करें, और ये पानी आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।